मायूस शेख मजार, आप देख रहे हैं AHN न्यूज, आपका वक्त आपकी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मैं बहुत अपसेट हूं, आई एम वेरी अपसेट, और हमारी जब सरकार बनेगी मैं इसका कुछ करूंगा। क्या महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर वारिस पठान है? क्या महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत है? आपकी हुकूमत है। झाड़ रहे तो आप बोले हमारी सरकार बनने के बाद हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? फिर से झाड़ लगाएंगे, फिर से पेड़ लगाएंगे। आप ये कौन सी बात है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और फिर हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, फडनवीस साहब, ये पीएमसी बैंक का किस्सा क्या है? कांग्रेस भी नहीं बोल रही इसमें, पीएमसी बैंक का किस्सा क्या है? एचडीआईएल कंपनी किसके बाप की है? एचडीआईएल कंपनी का क्या ताल्लुक बीजेपी के एमएलए से है? कोई नहीं बोलता। बदनामे जमाना असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, पीएमसी का कोई जिक्र नहीं। वो बेचारे लोग मर रहे हैं, कभी 1000 रुपये के लिए कि तो कभी 5000 रुपये के लिए। मेरे भाई ये हाल हो चुका, और ये लोग ये समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई अपोजिशन नहीं है। महाराष्ट्र में अपोजिशन नहीं है मानता हूं मैं, क्योंकि कांग्रेस के चारों खाने चित हो चुके हैं। कांग्रेस का खुद साबिका सदर जिसका नाम निरुपम है, जो शिवसेना से कांग्रेस में चला गया, तो कांग्रेस ने कहा कि ये सेक्युलर है। आज वो कह रहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस 2 या 3 सीट जीतेगी। मेरे भाई आज कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एनसीपी का तो क्या कह सकता हूं, उनका भी बैंक का कुछ निकला, उनका बैंक का निकला, किस किस का बैंक है नहीं मालूम, मगर आप किसी के और बैंक अब नहीं है, बशमूल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के।